वतन तो अब किसका होगा, ये तो आगे 4 महीने बाद पता चलेगा। हो सकता है पतन भारतीय जनता पार्टी का ही हो जाए। ये अभी से भविष्यवाणी, ये किसी ने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद नहीं सोचा था उनको 10 सीटें मिल जाएंगी, और जिस तरीके से मिली है वो उनको ही पता है। दारू, पैसा, हर हथकंडा उन्होंने सारे तरीके से तिकड़म लगाए हैं, और मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ जो दबाव की जिस तरीके से राजनीति करी, सत्ता का जिस तरीके से दुरुपयोग किया, अब अलग मुद्दे थे लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में अलग होने, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के कहीं नज़दीक भी लग पाएगी। सरकार अगली कांग्रेस की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कोशिश करी वो कामयाब हो गए, लेकिन ऐसी कामयाबी उनको आगे विधानसभा चुनाव में मिलेगी ऐसा बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो कांग्रेस के साथी सभी कमर कस लें, क्योंकि आगे ये डायरेक्ट फाइट होनी है। ये फाइट जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। करीबन 70 से 80 सीटें हैं जहाँ प्रत्यक्ष तौर पर, बल्कि एक सीट को छोड़ दो तो सीधे सीधे मैं समझता हूँ कि हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से रहा। इनेलो, JJP, बहुजन समाज पार्टी, LSP, जितने और जो संगठन आए वो इस चुनाव में पूरी तरीके से हवा में उड़ गए। तो मैं तो इतना ही साथियों से कहूँगा कि जहाँ प्रत्यक्ष तौर पर एक अलग तरीके की राजनीति की शुरुआत हरियाणा में होगी, क्योंकि रीजनल पार्टी ख़त्म हो गई है, भारतीय जनता पार्टी वो एक दूसरे ध्रुव का काम करेगी, एक तरफ कांग्रेस है, तो निश्चित तौर पर जो लोग परेशान रहे सरकार से 5 साल परेशान भी रहे।